गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र कुमार खगड़िया बिहार से। कहते हैं जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनसे हंसकर बाहर निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। हमें हर चीज में माहिर होना चाहिए, यानी किसी भी परिस्थिति में हमें टूटना नहीं चाहिए। यदि हम नहीं टूटते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज का टॉपिक जो हम लिए हैं वो टॉपिक है हमारा रीजनिंग, और रीजनिंग में हम उठाए हैं जो चैप्टर उसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर। इसे हम हिंदी में कहेंगे आकृतियों की गणना या आकृतियों की गिनती। यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खास करके रेलवे के लिए, एसएससी के लिए। अभी वर्तमान में रेलवे का जो एग्जाम चल रहा है यानी ग्रुप डी का, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आज बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बेसिक टू एडवांस हर लेवल को हम क्रॉस करेंगे। तो आइए जानते हैं आज आकृतियों की गणना के बारे में, यानी काउंटिंग ऑफ फिगर के बारे में। तो यह हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। यदि आप पढ़ाई करते हैं या छोड़ दिए हैं, फिर भी आप यदि इस टॉपिक को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, हर चीज, हर वन डे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो इसमें पूछे जाते हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज से, स्क्वायर यानी वर्ग से, रेक्टेंगल यानी आयत से, और उसके बाद लाइन से यानी रेखा से, और उसके बाद सर्कल से यानी वृत्त से। तो आइए जानते हैं इसका सवाल पूछने का तरीका क्या होता है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे पास जो सवाल दिया हुआ इसको हल कैसे करेंगे। बस मिनटों में, हम सेकेंडों में इसको हम सॉल्व करेंगे। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, यानी आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आकृति मेरे पास, आकृति दिया हुआ है और पूछ रहा है कि आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज हम लोग बचपन से ही यानी क्लास सिक्स से जानकारी ले रहे हैं कि त्रिभुज क्या है, यानी क्लास सिक्स में ही हम लोगों को त्रिभुज के बारे में, स्क्वायर के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, लाइन के बारे में और सर्कल के बारे में पता चल जाता है। तो आइए हम जानते हैं इस सवाल के को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरा एक नंबर का सवाल है, यानी आकृति में कितने त्रिभुज हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर आप साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर सिंगल ट्रायंगल है, सिंगल ट्रायंगल, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज है। त्रिभुजों की संख्या यहाँ पर कितनी है, वन, यानी एक त्रिभुज, सिंगल त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुज है सिंगल, सिंगल ट्रायंगल, सिंगल ट्रायंगल यानी ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन त्रिभुज। इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर वन हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा वन आंसर। ये तो हम आसानी से कह दिए इसमें एक त्रिभुज है। और अगला सवाल है, बस इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दिया गया है, यानी इस कोने से त्रिभुज के, त्रिभुज में तीन कोने कोण होते हैं और प्रत्येक कोण का मान यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो दो नंबर का जो सवाल है, इसमें एक कोण से त्रिभुज के मान चलिए ए बी सी है, भुजा बी सी पर लंब डाल दिया गया है, यानी बन गया कितना त्रिभुज। इसको हम पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, इसका जो पार्ट बना है वन और टू, इसका पार्ट बन गया है वन और टू। तो यानी इस त्रिभुज में जो लाइन खींचा गया है बीच से, इस बी सी भुजा पर, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। पहला पार्ट को हम वन बोलेंगे और दूसरे पार्ट को टू बोलेंगे। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं, इसको यदि हम खंडन करें, इसको खंडन करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, फर्स्ट त्रिभुज, फिर ये ऐसे बनेगा, फर्स्ट त्रिभुज, सेकेंड त्रिभुज, यदि पूरे को मिला दे तो तीसरा त्रिभुज बन जाएगा, यानी कुल मिलाकर के इसमें तीन त्रिभुज है। लेकिन ऐसे कटकुट करने में इतने, इस सब सवाल में तो हम नहीं कर सकते हैं, आगे के सवाल में, तो इसलिए हम ज्यादा कटकुट नहीं करेंगे, ट्रिक पर हम चलते हैं। कारण कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि आप सोचिएगा बेसिक लेवल से करेंगे तो परीक्षा समाप्त हो जाएगा और आप सवाल को करते रह जाइएगा। तो आइए जानते हैं ट्रिक के माध्यम से इस सवाल को सेकेंडों में कैसे हम उड़ा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कितना हिस्सा हुआ है, दो हिस्सा, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा। कुछ नहीं कीजिए, पहला, फर्स्ट हिस्सा में क्या लिखा हुआ, एक, दूसरे हिस्सा में क्या लिखा हुआ, दो, दोनों को जोड़ दीजिए, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री आंसर, यानी त्रिभुजों की संख्या, दो नंबर के सवाल में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी है, थ्री, नंबर ऑफ ट्रायंगल दे आर थ्री ट्रायंगल्स ऑफ देयर इन फिगर, देयर आर थ्री ट्रायंगल्स आर देयर इन फिगर, यानी इस फिगर में तीन त्रिभुज है, त्रिभुजों की संख्या तीन त्रिभुज, यानी तीन त्रिभुज हमारा आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें
एक लाइन ड्रॉ किया हुआ था लेकिन इसमें दो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं है, जैसे हम इसको सॉल्व किए उसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर से पूरी दुनिया चलती है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। व्हाट इज नेचुरल नंबर? प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 से लेकर इनफिनाइट तक। हम मर जाएंगे तब पर भी गिनती की संख्या समाप्त नहीं होगी। तो यदि हम गिनती की संख्या में 0 को मिला दें तो वह बन जाएगा होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या का उपयोग करते हुए यानी काउंटिंग सॉरी नेचुरल नंबर का उपयोग करते हुए हम इस सभी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इस पार्ट में 1, इस पार्ट में 2, इस पार्ट में 3 और 1, 2, 3 को आपस में जोड़ दीजिए। इसका सूत्र भी होता है जोड़ने के लिए, किसी लगातार संख्याओं के यदि हम जोड़ते हैं तो उसका फॉर्मूला आता है n(n+1)/2। यदि हमको 1 से लेकर 100 तक के लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग को यदि निकालने के लिए बोल दिया जाए तो उसका फॉर्मूला होता है n(n+1)/2। लेकिन हमको यहाँ 2, 3 तक करना है, इसलिए हम सूत्र पर नहीं जाएंगे। 3 तक करना है, वो भी हम लास्ट में बता देंगे। 3 तक करना है, 3 तक करना है तो हम कैसे करेंगे? पहला ऐसा 1, दूसरा ऐसा 2, तीसरा ऐसा 3 और इस सब को जोड़ देंगे। 3, 2, 5, 6 आंसर। त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में 6 है। फटाफट चलिए इसको भी बनाते हैं। पहला ऐसा 1, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, चौथा ऐसा, इस सभी को आपस में जोड़िए, त्रिभुजों की संख्या मिल जाएगी। तो 1+2+3+4, 4, 3, 7, 9, 1, 10, त्रिभुजों की संख्या 10 आंसर। चलिए आइए चलते हैं अगला सवाल के बारे में। पहला ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 15, 3, 18, 18, 21, 21, त्रिभुजों की संख्या कितनी है? त्रिभुजों की संख्या बराबर 21 आंसर। चलिए आप जानते हैं इस सवाल को, इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस एक ठो ढोंग रस दिया गया है यानी एक ठो कट कर दिया गया है। तो कट कर दिया गया, क्या इसको भी करते हैं। चलिए आइए 1, 2, 3, 4, इसको हम पहले जोड़ लेते हैं। 1+2+3+4, इसको जोड़िए कितना हुआ? 4, 3, 7, 9, 1, 10, त्रिभुजों की संख्या 10। पहला जो बेस दिया हुआ है, पहला बेस हमारा ये हुआ, दूसरा बेस हमारा ये हुआ, ये हमारा पूरा ट्रायंगल है। ट्रायंगल में कट कर दिया गया है बीच से, इसमें कट कर दिया गया है एक बार। तो मेरा जो पहला बेस है उस बेस को तो हम लोग जानते हैं आसानी से निकालने के लिए, जो हम पहले 5 सवाल में कर चुके हैं। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए 4, 3, 7, 9, 1, 10, पहला बेस का क्लियर है, इसमें कितना मिला? 10 ट्रायंगल मिला। इसमें कितना मिला? जिसमें नीचे वाला में जब 10 मिला, कट सेम है यानी कट शुरू से लेकर इंड पॉइंट तक है, तो यानी ऊपर में भी सेम चीज मिलेगा। यानी 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, यहाँ भी कितना मिल गया? इस बेस पर भी 10 ट्रायंगल मिल गया यानी 10 त्रिभुज मिल गया। हम आसानी से कह सकते हैं 10+10=20 यानी त्रिभुजों की संख्या बराबर 20। तो यहाँ पर भी कितना मिला? दूसरा सेकेंड बेस पर, सेकेंड बेस पर कितना मिला? सेकेंड बेस पर मिल गया 10। तो टोटल हो गया, टोटल ट्रायंगल कितना होगा? 10, 10, 20 ट्रायंगल आंसर, 20 ट्रायंगल आंसर, 20 ट्रायंगल आंसर। आइए नेक्स्ट सवाल को हम करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल में दिया गया है, आप इसका आंसर बता सकते हैं मुंह से यानी वर्बली बता सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 हिस्सा है, 4, 3, 7, 9, 1, 10, नीचे वाला बेस पर 10 ट्रायंगल, नीचे से जो ऊपर है इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। तो आइए करते हैं इसको। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो इसी तरह ऊपर वाला जो बेस है हमारा, मान चलिए कट नंबर, इसको कहते हैं कट नंबर 1 ए, कट नंबर बी, कट नंबर सी। ये ध्यान आपको रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कट करते हुए गया है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कट करते हुए पहुंच गया है। सी का भी वही हाल है। अब लाइन को नाम दे दिए हैं, वह ए बी सी, इसमें भी 1, 2, 3, 4, इसमें भी 1, 2, 3, 4। इसमें जो हम ट्रायंगल की संख्या निकालेंगे, त्रिभुजों की संख्या निकालेंगे, 4, 3, 7, 9, 1, 10, इसका बेस कितना हुआ? इसका इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली हमको? 10 मिली। इसी तरह 4, 3, 7, 9, 1, 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, लेकिन ऊपर में एक छूट गया है। नहीं छूटा हुआ 1, 2, 3, 4। चलिए इस नाम को हटाते हैं, इस नाम को रखने से दिक्कत हो जाएगी। तो 4, 3, 7, 9, 1, 10, यहाँ भी 10। चलिए बेस कितना है?
पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, चौथा बेस, चार गो बेस है, चार गो बेस। जब पहला बेस पर 10 है तो चार गो बेस पर कितना होगा, 10 गुना 4 10 इंटू 4 इक्वल टू 40। इसको 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 बराबर 10 20 10 20 30 40, यानी इसका कितना आंसर निकला, 40 आंसर। पहला बेस पर जब 10 है तो दूसरा बेस पर भी 10, तीसरा बेस पर भी 10, चौथा बेस पर भी 10। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 10 गुना 4 बराबर 40, या इस तरह भी कर सकते हैं, जितना लोग जाना है आपका मर्जी है। तो इसका भी आंसर हो गया, निकल गया, स्टॉप। तो हम अगला जो सवाल है वो सवाल 8 नंबर 9 नंबर थोड़ा सा अलग हट गया है, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले 8 नंबर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो इसका भी पार्ट, जहां पार्ट आपको दिख रहा है वहां पहले आप नेचुरल नंबर का प्रयोग कीजिए, यानी प्राकृतिक गिनती की संख्या को। यहां पर 1 2 3 1 2 3। अब इस बेस में कितना ट्रायंगल मिला इसको हम काउंट करेंगे, 3 2 5 6, कितना ट्रायंगल मिला, 6 ट्रायंगल, ट्रायंगलों की संख्या 6। अब यहां पर 1 2 3 4, अब इसको जोड़िए, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पर भी कितना बना, 10 बन गया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10। अब अगला जो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लेकिन एंड पॉइंट तक ये लाइन, एंड पॉइंट तक यहाँ तक नहीं आया है, तो जहां तक है वहां तक हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर है 1 2 3, अब आइए इसको काउंट करते हैं, ये भी 3 2 5 6, यहाँ पर 6 ट्रायंगल, 6 10 और 6, इसको हम काउंट करेंगे, 10 6 16 16 4 20 20 2 22, ट्रायंगलों की संख्या कितनी हुआ, ट्रायंगलों की संख्या यानी त्रिभुजों की संख्या बराबर, त्रिभुजों की संख्या बराबर 10 प्लस 6 प्लस 6 बराबर 6 6 12 12 10 22 आंसर, 22 इसका आंसर हुआ। आप भी कर सकते हैं, इसे हम वर्बली भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, फर्स्ट बेस में 3 पार्ट है, इसको काउंट कर लेते हैं पहले, 3 2 5 6, इस बेस में कितना बना, इस बेस में ट्रायंगल यहाँ पर नहीं करेंगे, उस साइड करेंगे, 3 2 5 6, इस बेस में बना 6 ट्रायंगल। इसमें देखिए 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इसको काउंट कीजिए, 4 3 7 2 9 1 10, इस पर 10 ट्रायंगल। अब यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4, इसको काउंट करते हैं, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पर इस बेस में कितना बना, 10। तब टोटल गैप कर लेंगे, 10 10 20 6 26, त्रिभुजों की संख्या बराबर 26 26, इसका आंसर 26 आंसर। चलिए अब जानते हैं सेकेंड टाइप के बारे में, थोड़ा सा समय लगेगा, यानी 10 मिनट में एक बेहतरीन जानकारी हम लोगों को मिल जाती है। तो यानी काउंटिंग ऑफ फिगर में हम लोग पहला टाइप को खत्म कर दिए हैं। इसी पहला टाइप के अनुसार रेलवे ग्रुप डी हो या SSC CGL हो या CHSL हो या MTS हो या GD हो, जो भी हो, और उसके बाद स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, लाइन, सर्किल और सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पहला टाइप हम लोगों का खत्म हुआ, अब चलते हैं टाइप सेकेंड की ओर। टाइप सेकेंड में इस तरह की आकृति देगा, लेकिन पूछा जाएगा ट्रायंगल के ही बारे में, यानी ट्रायंगल कितना है। इसमें भी हम उसी नियम को अप्लाई करेंगे, लेकिन इस थोड़ा सा अलग हटके है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं इसमें कितना पार्ट है, मान चलिए मेरे पास इसको आप वर्ग मानिए कि आयत मानिए, लेकिन इसमें बचपन में हम लोग खेलते होंगे गुज्जू कोन कोना, हम लोग सभी खेल चुके हैं और आप लोग भी खेले होंगे और बहुत मजा भी आता था। तो गुज्जू कोन कोना यानी घर में भी 4 कोना होता है, यहाँ भी 4 कोना होता है, इस कोना को इससे मिला दिया गया है, इस कोना को इससे मिला दिया, यानी यहाँ राम है तो राम का दोस्त यहाँ पर श्याम है, यदि यहाँ पर राधा है तो राधा की दोस्त यहाँ पर गीता है। तो यानी गुज्जू कोन कोना, यानी बिहार का फेमस बचपन वाला खेल। तो आइए जानते हैं इस कोना को इससे मिला दिया गया, इस कोना को इससे मिला दिया गया। तो अब जानते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे, इसमें भी त्रिभुज की संख्या ही पूछा जा रहा है, यानी हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर, यानी इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले 1 2 3 4,
वन टू थ्री फोर, कितना हिस्सा है? चार हिस्सा। ट्रिक है, बेसिक पर यदि करेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ट्रिक पर ही कर दे रहे हैं। तो वन टू थ्री फोर, इस कुछ नहीं कीजिए, चार को दो से यानी चार का डबल कर दीजिए, फोर इंटू टू बराबर चार दूनी आठ, ट्रायंगल आंसर आठ ट्रायंगल, ये हमारा आंसर हुआ। आप लोग इसका वर्बली आंसर मुंह से दे सकते हैं। चलिए पहला हिस्सा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, आठ पार्ट में डिवाइड है, ये वाला आकृति आठ पार्ट में, यानी पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, चौथा, कहने के लिए तो आठ त्रिभुज नजर आ रहा है, लेकिन आठ त्रिभुज नहीं है, आठ का डबल है, आठ गुना टू, इसमें है आठ गुना टू, आठ दूनी सोलह ट्रायंगल आंसर। इसमें एक दो तीन चार, कहने के लिए ये वाला ऊपर वाला त्रिभुज, फिर नीचे वाला, फिर ये वाला त्रिभुज, फिर ये वाला त्रिभुज, लेकिन देखने में तो चार लगता है, लेकिन हकीकत में रियल में इसमें कितना है? आठ। देखने में तो आठ लगता है, लेकिन रियल में सोलह ट्रायंगल। चलिए पार्ट टू में हम लोग इन कर चुके हैं, अब इस सेशन को यहीं पर एंड किया जाए और फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, और हम हाई लेवल जाएंगे ताकि हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आज का सेशन को यहीं पर एंड हम करेंगे, तो इसी तरह आप हमें प्यार देते रहें, यदि अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी दिल को टच किया हो, तो आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर हो या यूट्यूब पर हो लाइक करेंगे। यूट्यूब पर तो लाइक का वन ऑप्शन है, यानी सिर्फ आप एक बार प्रेस कीजिएगा लाइक हो जाएगा, लेकिन फेसबुक पर इसका ऑप्शन लाइक करने का डबल ऑप्शन है, एक लाइक एक बार दबा दीजिए लाइक हो जाएगा, उसको यदि आप लाइक को प्रेस करके रख देते हैं थोड़ा देर के लिए, हर्ट आ जाता है यानी दिल आ जाता है। यदि आपके दिल को ये ट्रिक भाया है, यदि आपके दिल को थोड़ा सा भी टच किया है, टच मी, तो आप दिल भेजेंगे ना कि लाइक, वैसे आपकी मर्जी है, हम आप पर प्रेस नहीं डालेंगे। बस चलते हैं, इसी के साथ आज का सेशन को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। जय हिंद।